कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर रुपेंद्र कुमार, आज जोड़ों के दर्द के बारे में, यानी कि गठिया, गठिया क्या होती है, किस लिए होती है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों बता दें कि जोड़ों का दर्द क्यों होता है और जोड़ों का दर्द क्या है। जोड़ों का दर्द हमारे शरीर में जिस स्थान पर दो हड्डियां आपस में मिलती हैं उसे हम जोड़ों का दर्द कहते हैं। जैसे जोड़ों में दर्द विभिन्न कारणों से हो सकता है, इसमें हड्डियों को चोट लगना यानी फ्रैक्चर, हड्डी को प्रभावित करने वाले जैसे गठिया। गठिया क्या होती है? गठिया ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट आर्थराइटिस और डेंटिनाइटिस को प्रभावित करने वाली, ऑटोम्यून्स जैसे लिप्स व रूमेटाइड अर्थराइटिस शामिल है। इसके अलावा हड्डियों पर जरूरत से जोर पड़ने या फैलाव के कारण मोच और खिंचाव से भी जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। यह दर्द एक या एक से अधिक जोड़ों में हो सकता है। सर या किसी सूजन, कमजोरी, जोड़ों में लालिमा और चलने के दौरान आंसू के दर्द के लिए प्रमाण जोड़ों में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग और एंटीबायोटिक शामिल है। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए दवा के साथ साथ फिजिकल थेरेपी की भी सलाह दी जाती है। जोड़ों में दर्द के लिए होम्योपैथिक उपचार का उद्देश्य सूजन और बेचैनी को कम करने के लिए, साथ स्थित के अंतर्निहित कारणों का भी इलाज किया जाता है। होम्योपैथिक डॉक्टर किसी उपाय को निर्धारित करने से पहले रोगों के लक्षण के साथ व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और बीमारी के प्रकार भी विचार करते हैं। यही कारण है कि होम्योपैथिक उपचार एक जैसे रोग वाले व्यक्ति को एक जैसा असर नहीं देता। दिक्कत में आज हम कुछ होम्योपैथिक उपयोगी मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे जो जोड़ों के दर्द के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कौन सी मेडिसिन है। सबसे पहले बात करेंगे अर्निका मोंटाना, 200 पोटेंसी में आए। इसका उपयोग किसी जख्म या चोट के उपचार के लिए उपयुक्त है या उन रोगियों के लिए निर्धारित है जो अपने शरीर में सामान्य दर्द को महसूस करते हैं या कुछ लक्षणों को भी ठीक करने में मदद करता है। जैसे मोच, अगर किसी व्यक्ति को मोच आ जाती है तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। छाती की हड्डी और कार्डिलेज में दर्द, हाथ पैर में दर्द, तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जिन व्यक्तियों को लगता है कि जोड़ की हड्डी खिसक जाने जैसा उनको एहसास होता है वे व्यक्ति इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। सर्दियों में हाथों में ठंड लग जाना, अगर हाथों में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है तो आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना आपको नहीं लेना। गठिया यानी कि जोड़ों में दर्द व सूजन जो शरीर के निचले भाग से स्टार्ट होती है और ऊपर भाग की तरफ बढ़ती जाती है, ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। को पेड़ों में दर्द होता है, सीधा चलने फिरने में उनको परेशानी होती है, वे व्यक्ति इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते। अब चलते हैं दूसरी मेडिसिन की ओर। दूसरी मेडिसिन जो हमारी है वो है बर्निया अल्बा, 200 पोटेंसी। शारीरिक रूप से कमजोर लोगों में बर्निया अल्बा बहुत ही अच्छी तरह काम करती है। यह टायरिंग और स्टिन पेन से भी राहत दिलाती जो आराम करने के बाद बेहतर हो जाते हैं। विभिन्न अंग या उपाय, श्लेष्म झिल्ली, विभिन्न अंगों के अंदरूनी उपाय, श्लेष्म झिल्ली के अत्यधिक सूखने के लिए भी उपयुक्त है। यह विशेष रूप से उन रोगियों को दी जाती है जो अर्थराइटिस, एक्यूट अर्थराइट, जोड़ों में दर्द का अनुभव करते हैं। जैसे जोड़ों में, घुटनों में अकड़न व दर्द, हाथ पैर में सूजन, गर्दन के निचले हिस्से में दर्द, सभी दिक्कतों के लिए यह मेडिसिन बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ये मेडिसिन आप जोड़ों के दर्द यानी कि गठिया, साइटिका के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। साइटिका का दर्द ठंडे रात में, ठंडे व नम में बढ़ जाता है, तो
ऐसी प्रॉब्लम के लिए आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। जोड़ों का दर्द क्या है, क्यों होता है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।